तो आज के सेशन में हम बात करेंगे नई सीरीज़ की तरफ बढ़ते हुए, यानी कि सिक्वेंस एंड सीरीज के बाद, ठीक है। तो सिक्वेंस एंड सीरीज़ अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि आपके हाई स्कूल से शुरू होता है। जब आप हाई स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे केवल आप अर्थमेटिक मीन तक पढ़ते हो, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक पढ़ते हो। देन आप जब ट्वेल्थ में आते हो तो वहाँ पे एक टॉपिक और ऐड हो जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देन जब आप ग्रेजुएशन में आते हो, जैसे कि आप बीसीए में हो, तो आप बीसीए में आपको कम्प्लीटली सीखना पड़ता है। एंड ये कम्पिटिशन लाइन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस करता है, जहाँ पे आपके फोर प्रोग्रेशन चलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड लास्ट होता है आपका अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका नाम है पूरा, ठीक है, सेपरेटली नहीं है। देन इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट को भी हमें करना होता है, जो कि एक लिमिट के, जिसमें आपका लिमिट का फॉर्मूला या लिमिट की प्रॉपर्टी बोल लीजिए, उसके रिजल्ट बोल लीजिए, उनको हम यूज़ करके वहाँ पे उनका आंसर निकालते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, और इसमें कन्वर्जेंस भी चलता है सीरीज़ के साथ में, वो कैसे चलता है, तो ये एडवांस टॉपिक। अगर आप हाई स्कूल में हो देन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक फिनिश हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इंटर में हो देन अर्थमेटिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा और ज्योमेट्रिक भी पढ़ना पड़ेगा, और रिलेवेंट आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी आपको सॉल्व आउट करना होगा। लेकिन अगर कंसेप्ट समझना है और इसमें कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझने हैं और वाकई क्वेश्चन और सॉल्व आउट करने हैं, तो इस सेशन को आप पूरा फॉलो कीजिए। इसमें करीब आपके 15 लेक्चर होंगे, ठीक है, और उनके सब लेक्चर कितने होंगे ये मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि देखिए गाइस क्या होता है, जब हम वीडियो शूट करते हैं तो उस समय हमको पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में इस टॉपिक के ऊपर भी ये वीडियो बननी चाहिए जो कि इस चीज़ से रिलेटेड है, या हमें ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कराना चाहिए जो हमने कंसेप्ट अभी कराया है, ठीक है ना। तो चलो हम बढ़ते हैं, तो आज हम क्या क्या सीखेंगे इस सेशन में, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप समझ लीजिए। तो गाइज अब हम इसमें सबसे पहला जो लेक्चर पढ़ेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अपनी नोट्स बुक उठा लेता हूँ, एक पेज में मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि आपको मेरे को जीरो लेवल से लेकर के एडवांस तक किस तरीके से पढ़ाना है ना। तो देखिए ओके, लेकिन गाइज ओके ये मेरे को, लेकिन गाइस आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, आप लोगों को शायद ये पैटर्न मेरा पसंद आए बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को ना पसंद आए, ठीक है। अगर सीक्वेंस में अगर कोई भी आपको कमी नज़र आ रही है देन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आपके इस जो आपने सीक्वेंस बनाया है हमको पढ़ाने के लिए इस चीज़ को, कि आपका सीक्वेंस सही है या नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम मस्त है, आप अगर एंड तक इसे फॉलो करते हो देन मैं प्रॉमिस करता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आप चुटकियों में सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। साथ में ट्रिक एंड टिप्स भी आपको बताता चाहूँगा। चलिए तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे गाइस सीक्वेंस क्या होता है एंड सीरीज एंड एनस्टम, फिर उसका प्रोग्रेशन एंड कुछ एग्जांपल, ओके ओके। सो सेकंड लेक्चर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थर्ड लेक्चर इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड फोर्थ लेक्चर इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड फिफ्थ लेक्चर अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे आप अगर कन्फ्यूजन में जा रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन सर आप अर्थमेटिक सीरीज क्यों नहीं पढ़ाओगे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स आपका जो सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, तो सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग में जो सीरीज आती है यानी कि ऐड करने पर, तो उसी को गाइज हम क्या कहते हैं सीरीज, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं कहीं पर, तो कहीं पे से अर्थमेटिक क्या बोलते हैं सीरीज, ओके। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज में ना जाएं इस इंडेक्स को देखिए, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कोई भी एक ऐसा पैटर्न जिस पैटर्न में आपका सीक्वेंस रखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें हम से अब सीखेंगे लिमिट, ठीक है, यानी कि लिमिट्स के जो रिजल्ट हैं इम्पोर्टेंट उनको। देन कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज में आपकी फर्स्ट आएगी अर्थमेटिक, सेकंड आएगी आपकी ज्योमेट्रिक, और फिर है आपकी, अब हम सीखेंगे यहाँ पे गाइस टेस्ट, ओके। तो टेस्ट आपके जो है गाइस यहाँ पे 7 टाइप के होते हैं, तो हम यहाँ पे टेस्टों को भी सीक्वेंस में बताएंगे, जिससे कि एक टेस्ट दूसरे टेस्ट में कैसे यूज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, और एक्सटर्नल की आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। देन आपका फर्स्ट है लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, इसको आप सिंपली कंपेरिजन टेस्ट भी कह सकते हो। देन आपका है रेशियो टेस्ट, जिसे आप डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी कह सकते हो। एंड आपका थर्ड है कॉची रूट टेस्ट, ठीक है, एंड जिसे आप रूट टेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है ना। देन आपका राविश टेस्ट, सो फिफ्थ इज लॉगरिथम टेस्ट, एंड सिक्स इज कॉची इंटीग्रल टेस्ट, एंड फोर्थ इज, यार इसका थोड़ा प्रोनंसिएशन मेरे से अच्छे से नहीं आता है, देन समझ लीजिएगा, है ना। सो
ये आपका कन्वर्जेंट किया जाता है अल्टरनेटिव सीरीज के लिए, ठीक है। ये सीरीज़ वगैरह क्या होती है सारी चीज़ें बताऊंगा। और इसमें हम यहाँ पे जब लॉगरिथम टेस्ट सीखेंगे तो उसमें हमें दो सीरीज़ सीखनी पड़ती हैं, यानी कि उससे पहले हमें दो सीरीज़ सीखनी पड़ती हैं, एक बाइनोमियल सीरीज़ यानी कि उसका कन्वर्जेंस, और हमें एक लॉगरिथम सीरीज यानी कि उसका भी एक कन्वर्जेंस, ठीक है, जो कि रेशियो टेस्ट वगैरह यूज़ होता है उनमें। और हमारा सिक्वेंस एंड सीरीज़ का जो ये सेशन है पूरा फिनिश आउट हो जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये कोर्स पसंद आएगा गाइस। और जिन लोगों को ये पसंद नहीं आ रही है ना, मतलब जो सीक्वेंस जो मैंने बनाया है, ठीक है, जो आपका एक इंडेक्स बनाया है, अगर वो किसी लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, बहुत लोग होंगे ऐसे, तो प्लीज़ वो लोग तो इस सेशन को ज़रूर देखें गाइस। क्योंकि मेरे को पता है जब आप इन वीडियोस को देखोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ गाइस, अनश्योर होकर ये बात कह सकता हूँ मैं कि आप लोग पसंद करेंगे इस कोर्स को, 101% पसंद करेंगे, क्योंकि मैं इसमें पढ़ाने ही वाला कुछ इस तरीके से हूँ। अगर आपने कभी भी नहीं मैथ पढ़ा ना, कभी भी नहीं पढ़ा मैथ यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज, तब भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल उस लेवल से आपको बता रहा हूँ गाइस जो कि आपको शायद ही कोई और बताता होगा। आपने सुना होगा बहुत लोग ये बोलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि आपने हाई स्कूल एंड 12th क्लास में अपने इस कंसेप्ट को क्लियर आउट कर लिया होगा, तो आपको लिमिट पढ़ाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई बहुत लोग ऐसे आते हैं ना, भूल भी जाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, बस ऐसे एग्ज़ाम निकाल देते हैं अपने, है ना, और बहुत लोगों को रिविज़न भी करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या है ना गाइस, मैं आपको वो भी सारा मटेरियल यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इस सेशन को पूरा फॉलो कीजिए। देन चलिए फिर आप फर्स्ट लेक्चर के साथ में मिलेंगे। और अगर आपको ये सीक्वेंस पसंद आया है देन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि दूसरों के पास भी ये वीडियो हमें शेयर करनी चाहिए, देन आप शेयर कीजिए। और अपने सेशन को सुनने के बाद किस किस को खुशी हो रही है, किस किस को कितना एक्साइटमेंट है, देन प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और मेरे को बताइए ये बात भी, ठीक है ना। देन चलिए फिर मिलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ इंट्रोडक्शन में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।